हम लोगों ने यहाँ तक ये डिज़ाइन क्रिएट किया था, आज इसी को आगे बढ़ाते हुए हम लोग इस पर एक वॉल क्रिएट करेंगे। तो वॉल क्रिएट करने से पहले हम इसका ग्रुप बनाते हैं। सबसे पहले हम इस पर एक लेयर बनाएंगे, लेयर स्लैब्स की होगी। जो छत की लेयर होती है उसे हम सबसे पहले यहाँ पे क्रिएट करेंगे। तो रेक्टेंगल टूल से हम एक यहाँ पे रेक्टेंगल क्रिएट कर लिए और इसका एक ग्रुप बना लेते हैं। इसे इसको सेलेक्ट किए, सेलेक्ट करके राइट क्लिक करके मेक ग्रुप पर क्लिक करके हमने इसका एक ग्रुप बना लिया। ग्रुप बनाने के बाद इस लेयर का अब हम यहाँ पे नाम इंडिकेट करेंगे। इस लेयर का नाम जो है स्लैब्स रख देते हैं। यहाँ लेयर को हम ऑन ऑफ कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने दो लेयर बना रखे हैं, एक तो ग्राउंड फ्लोर का जो प्लान है हम इसे ऑफ कर लेते हैं और हम इस स्लैब्स की थिकनेस को 4 इंच बढ़ाना चाहते हैं। तो स्लैब्स पे डबल क्लिक करेंगे। डबल क्लिक करने के बाद जब ये एक्टिवेट हो जाता है इस तरह दिखेगा। एक्टिवेट होने के बाद इसे हम पुश पुल की हेल्प से 4 इंच इसकी थिकनेस को बढ़ाएंगे। पुश पुल को नीचे की तरफ हम पुश कर दिए और इसको 4 इंच एंटर कर दिए। इसकी थिकनेस अब 4 इंच हो गई। अब इसके ग्राउंड फ्लोर को हम ऑन कर लेते हैं। अब हम इसके वॉल को क्रिएट करेंगे। तो वॉल को क्रिएट करने के लिए हमें रेक्टेंगल टूल का यूज़ करना होगा। हम रेक्टेंगल टूल का यूज़ करके वॉल क्रिएट करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ से इस पॉइंट से क्लिक के और यहाँ इस पॉइंट तक ड्रा कर लिए एक रेक्टेंगल और इस रेक्टेंगल का हमने ग्रुप बना लिया। इस वॉल का हम पहले ग्रुप बना लेते हैं। इसे सेलेक्ट किए, सेलेक्ट करके इसको मेक ए ग्रुप। अब ये हमारा एक ऑब्जेक्ट हो गया, एक लेयर बन गई। इस लेयर का नाम हम यहाँ पे इंटर करेंगे वॉल। अब ये वॉल नाम से लेयर क्रिएट हो गई। अब हम इस पे डबल क्लिक करेंगे, एक्टिव कर लिए। एक्टिव करने के बाद हम रेक्टेंगल टूल से इस वॉल को क्रिएट करेंगे। इस वॉल को हमने क्रिएट कर लिया और इस पॉइंट से इस पॉइंट तक हमने इसको क्रिएट कर लिया। इस पॉइंट से इस पॉइंट तक इसे क्रिएट किया और इस पॉइंट से इस पॉइंट तक इस ये वॉल क्रिएट कर लिया। इसके बाद इस पॉइंट से इस पॉइंट तक हमने इसको क्रिएट किया। बाकी हमारी वॉल यहाँ बच गई। इस वॉल को हमने यहाँ से क्लिक करके यहाँ पे ये क्रिएट कर दिया। यहाँ से इसे ड्रॉ किया, यहाँ से यहाँ तक इसे ड्रॉ कर लिया। इस वॉल को यहाँ से यहाँ हमने इसे ड्रॉ कर दिया। यहाँ से इसको यहाँ ड्रॉ किया। ये सारी वॉल को हमने ड्रॉ किया है ये सारी वॉल को हमने रेक्टेंगल टूल से ड्रॉ किया है। इसे यहाँ से यहाँ ड्रॉ किया, यहाँ से यहाँ ड्रॉ कर लिया, इसको यहाँ से यहाँ क्लिक कर दिया, यहाँ से यहाँ इसको ड्रॉ किया, एक रेक्टेंगल यहाँ से यहाँ ड्रॉ किया, इसको यहाँ से यहाँ ड्रॉ कर लिया और इस रेक्टेंगल को इस वॉल को यहाँ से यहाँ तक हमने ड्रॉ किया और यहाँ से यहाँ तक ये वॉल ड्रॉ कर लिया। यहाँ से ये वॉल हो गई, ये वॉल यहाँ से यहाँ हो गई। तो फ्रेंड्स, हमने इस वॉल को ड्रॉ कर लिया है। इसके इस एक्स्ट्रा लाइन को हम इरेज कर देते हैं। हमारी एक्स्ट्रा लाइनें इरेज हो गई हैं। इस दीवार की भी एक्स्ट्रा लाइनें इरेज हो गई। अब हम इस वॉल को पुश करेंगे ऊपर की तरफ। पुश पुल कमांड की हेल्प से पुश पुल कमांड हमने सेलेक्ट किया और इसे ऊपर की तरफ हमने 10 फीट इंटर किया। हमारा ये 10 हो गया। इसके व्यू को हम चेंज कर लेते हैं ISO व्यू में। व्यू को हमने चेंज कर लिया यहाँ पे और पुश पुल कमांड का यूज करके हम इस हाइट को 10 फीट इंटर करेंगे। 10 फीट इंटर हो गई। देखिए, हमारी वॉल क्रिएट हो गई 10 फीट। अब हम इसे पुल करेंगे। पुश पुल कमांड के हेल्प से यहाँ पर क्लिक कर दिए। इस वॉल से हम क्लिक करेंगे। इस वॉल को यहाँ तक मिलाएंगे और इस वॉल को हम डबल क्लिक करेंगे। ये ऑटोमेटिक यहाँ पर क्रिएट हो जाएगी और इसे हम क्रिएट करेंगे यहाँ तक। इस वॉल को पुल करेंगे, इसे हम डबल क्लिक करेंगे, इसे भी डबल क्लिक करेंगे। इस तरह हमारी ये वॉल क्रिएट हो गई है। बाकी वॉल हम यहाँ से क्रिएट कर लेते हैं। पुश पुल इस गाइडलाइन के बराबर, यहाँ गाइडलाइन के बराबर इसे क्लिक कर देते हैं। इसे हम ड्रैग करके यहाँ से यहाँ मिला देते हैं। इस वॉल को यहाँ से ड्रैग करेंगे और यहाँ मिला देंगे। इस पे डबल क्लिक करेंगे। इस वॉल पे हम डबल क्लिक करेंगे, ये ऑटोमेटिक 10 फीट क्रिएट हो जाएगी। यहाँ पे हम डबल क्लिक करेंगे,
तो फ्रेंड्स ये हमारी वाल क्रिएट हो गई है। अब हम इस पे एक्स्ट्रा लगी लाइनों को डिलीट कर देते हैं, इरेज कर देते हैं। जैसे यहाँ पे ये बच गई है तो इसे इरेज कर दिया हमने, और यहाँ पे भी है इसे इरेज कर लिया, यहाँ पे है इसको इरेज कर दिया हमने। तो ये हमने अपने डिज़ाइन की वाल को क्रिएट कर लिया है। एक वाल यहाँ हमारी बच गई है, देखो इसे हम डबल क्लिक कर देते हैं। चलो डबल नहीं क्लिक करेंगे तो हम इसे पुल कर देते हैं यहाँ पे, ये क्रिएट हो गई और इसे इरेज कर दिए। हमारी ये वाल रेडी है, इस तरह ये हमारी वाल तैयार हो गई है। और हम विंडो को शो करेंगे, यहाँ पे ये हमारी विंडो है। इस विंडो को यहाँ से यहाँ तक हमने 2.5 फीट रख लेते हैं। लाइन से हमने एक लाइन ड्रा किया और पुश पुल का यूज करके हमने इसे यहाँ पे मिला दिया और इस एक्स्ट्रा लाइन को इरेज कर दिया। ये हमारी एक विंडो है, यहाँ पे हम टेप से गाइडलाइन शो करेंगे, गाइडलाइन 2.5 फीट पर है। लाइन टूल से हमने एक लाइन ड्रा कर लिया, पुश पुल कमांड से हमने इसे यहाँ पे मिला दिया और इसे इरेज कर दिया। यहाँ पे हमारा ये वेंटिलेशन है जो रोशनदान है, और रोशनदान को हम यहाँ पे लगाएंगे 7 फीट की हाइट पे। तो हम यहाँ पे गाइडलाइन शो कर लेते हैं 7 फीट। लाइन टूल से हमने यहाँ एक लाइन ड्रा किया, ये लाइन ड्रा कर लिया और पुश पुल से हमने इसे इस दीवार से इस दीवार तक मिला दिया और इसे इरेज कर दिया। यहाँ भी इसको भी हमने इस लाइन को इस लाइन से मिलाया और पुश पुल कमांड से इसे हम इस वाल को मिला दिया और इस एक्स्ट्रा लाइन को इरेज कर दिया। एक रोशनदान यहाँ पे इसे हम यहाँ से यहाँ तक लाइन ड्रॉ किया और पुश पुल का यूज करके हम इसे मिला दिया यहाँ पे, इस एक्स्ट्रा लाइन को हमने इरेज कर दिया। ये हमारा रोशनदान की जगह से हो गई है। यहाँ पे हमारा ये 2.5 फीट पे विंडो है, इस किचन का विंडो है, तो हम इसे 2.5 फीट ही रखेंगे। तो इस तरह से हम एक पुश पुल का यूज करके इसे 2.5 फीट पे ही रखना होगा। यहाँ पे भी एक विंडो है, इस विंडो को भी हम शो कर लेते हैं। रेक्टेंगल टूल का यूज करके हमने यहाँ पे एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लिया और पुश पुल से हम इसे इसकी हाइट को 2.5 फीट रख दिया। हम इस गाइडलाइन को इरेज कर लेते हैं। अब हमारा ये स्ट्रक्चर बन के तैयार है। अब इसमें डोर इंस्टॉल करना बाकी है। जो इसका डोर है हम इसे इस डोर को अगले वीडियो में शो करेंगे। आज की वीडियो का मेन मकसद था ग्रुप बनाना और लेयर बनाना। ग्रुप बनाना हम आपको यहाँ अलग से समझाते हैं, ग्रुप क्यों बनाना जरूरी होता है। तो ये हमने मान लीजिए एक रेक्टेंगल यहाँ पे ड्रॉ किया है और इसे हमने फुल कर दिया है, ये हो गया। और एक रेक्टेंगल हम यहाँ ड्रा कर लेते हैं और इसे फुल कर लेते हैं। अब ये दोनों को सेलेक्ट करेंगे और मूव कर देंगे। मूव करके हम इसके साथ रख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब हमने इसे अलग करना है, तो अलग करने के लिए देखिए ये हम इस तरह से अलग करेंगे तो ये फिर अलग नहीं होगा, ये एक ही में दोनों मर्ज हो जाएगा, ठीक है। ये इस तरह से मर्ज हो गया, हम इसे अलग नहीं कर सकते बिना ग्रुप बनाए। अब मान लीजिए हम इसको ग्रुप बना लेते हैं, ठीक। ये है, हम इसका ग्रुप बना लेते हैं। राइट क्लिक करेंगे, मेक ग्रुप पे क्लिक कर दिए, ये एक ग्रुप हो गया। और एक ग्रुप हम इसका बना लेते हैं, सेलेक्ट पूरे को सेलेक्ट करेंगे और राइट क्लिक करके मेक ग्रुप पर क्लिक कर देंगे, ये एक ग्रुप बन जाएगा। अब हम इसे मूव करेंगे, सेलेक्ट करके एम प्रेस करेंगे, मूव कमांड से इसे मूव करेंगे। अब मूव करने के बाद मान लीजिए हमने इसको यहाँ पे रख दिया। अब यहाँ पे रखने के बाद अब हम इसको अगर मूव करते हैं तो यह आसानी से मूव हो जाता है, इसमें मर्ज नहीं होता। तो अगर हम बिना ग्रुप के इसको हम यहाँ पे मूव करेंगे और एक साथ रखेंगे तो ये आपस में मर्ज हो जाएंगे और मूव नहीं हो सकेंगे, ये आपस में अलग नहीं हो सकेंगे, ठीक है। तो इस तरह से ये ग्रुप बनाना जरूरी होता है। लेयर बनाना, अब देखिए जैसे ये हमने एक ग्रुप बना लिया, यहाँ पे एक ग्रुप बना लिए हैं तो ये ऑटोमेटिक यहाँ पे एक लेयर बन जाती है। जैसे ये ग्रुप है, यहाँ एक
ग्रुप का लेयर बन गया और दूसरा ग्रुप ये है, इसको हमने सेलेक्ट किया ऑटोमेटिक ये यहाँ पे सेलेक्ट हो गया, ये दूसरी लेयर बन गई। मतलब जितने ग्रुप होंगे उतने लेयर बन जाएंगे। दो ग्रुप हैं यहाँ तो ये दो लेयर बन गए, एक ये ग्रुप हो गया। इन लेयरों को हम पहचानेंगे कैसे, इसलिए इन लेयरों का नाम रख लेते हैं। हम इस लेयर का नाम इंडिकेट करते हैं यहाँ पे, मतलब ये हमारा फर्स्ट लेयर है, ये हमने लेयर वन रख दिया फर्स्ट, ये सेकंड लेयर है तो हम यहाँ पे लेयर टू रख देंगे, यहाँ इसका नाम टू इंटर कर दिए हैं। तो जब हम इसे सेलेक्ट करेंगे ऑटोमेटिक ये सेलेक्ट हो जाएगी, और जब हम इसे सेलेक्ट करेंगे ये सेलेक्ट हो जाएगी। इस तरह से ये लेयर और ग्रुप साथ साथ बनते रहते हैं। हम जितने लेयर जितने ग्रुप क्रिएट करेंगे उतनी ही लेयर बनेंगी। आई होप कि वीडियो समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।